नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। पांचवें चरण का चुनाव 20 तारीख को है, 20 मई को 2024 का लोकसभा चुनाव पांच चरण 20 मई को पूरा कर लेगा। उसके लिए चुनाव प्रचार की अवधि खत्म हो गई है और प्रचार थम गया है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटें और देश की 49 सीटों पर मतदान होना है। चुनाव का एक बड़ा हिस्सा निकल चुका है। सेंट्रल यूपी में कहावत है ना कि हाथी निकल गया, पूंछ बाकी है। तो अब पूंछ बाकी है चुनाव की। इस चरण में महाराष्ट्र की 13 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं, बिहार की 5, बंगाल की 5, ये बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त है। उत्तर प्रदेश में चुनाव जिस तरीके से हो रहा है और उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है शुरू से, हालांकि मैंने इस बार इसको अलग तरीके से कहने की कोशिश की है, लोग कहते रहे कि जो उत्तर प्रदेश जीतता है वही देश जीतता है, लेकिन मैं इस बार कह रहा हूं कि ये धारणा इस बार बदलेगी, जो महाराष्ट्र और बिहार जीतेगा वो देश जीतेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश 80 सीटें हैं और देश की कुल आबादी का 17% यहाँ रहते हैं लोग, तो बहुत बड़ा स्टेट है। और उत्तर प्रदेश की लड़ाई और राजनीतिक दलों की चढ़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। इस चरण में राहुल गांधी, स्मृति ईरानी जैसे तमाम दिग्गज, और देश की बात करें तो पीयूष गोयल, चिराग पासवान, इस तरह के बहुत सारे नामी गिरामी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, रायबरेली से, और रायबरेली में वो अपनी माँ की जगह चुनाव लड़ने आए हैं। और कल ही रैली में जो उनकी माँ ने कहा था रायबरेली वासियों को कि मैं आपको अपना बेटा दे रही हूँ, इसे संभाल कर रखिएगा, बड़ी भावुक अपील उन्होंने की थी। इसके बाद एक अलग तरीके की तस्वीर बनती नजर आई, और अमेठी में किशोरीलाल शर्मा, गांधी परिवार के करीबी कार्यकर्ता, वो चुनाव लड़ रहे हैं। कहते हैं कि अमेठी में भी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। वहाँ स्मृति ईरानी वर्सेस किशोरीलाल शर्मा है। प्रियंका गांधी दोनों जगह की कमान संभाले हुए हैं। तो प्रचार का ये दौर, वार पलटवार का दौर खत्म हुआ। लेकिन इस दौर में जो सबसे दिलचस्प बात देखने को मिली वो बात थी खटाखट खटाखट खटाखट। हालांकि ये खटाखट की आवाज़ हमें तीसरे चरण से, लेकिन कहीं दूर से सुनाई पड़ रही थी। वो प्रदेश थे महाराष्ट्र, वो प्रदेश थे तेलंगाना, वो प्रदेश थे आंध्र, लेकिन बहुत करीब, बिल्कुल अपने करीब आकर ये आवाज़ सुनाई पड़ी, खटाखट खटाखट खटाखट। और आज तो खटाखट के साथ फटाफट और गटागट भी आ गया। अब आप कहेंगे गटागट खटाखट फटाफट क्या है, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे क्योंकि आजकल चुनावी रैलियों में खटाखट खटाखट यही चल रहा है। ये खटाखट है गरीबों, जो आम लोगों के लिए ये गारंटी है विपक्ष की, खटाखट। राहुल गांधी अपनी रैलियों में खटाखट खटाखट कह रहे हैं, अखिलेश यादव अपनी रैलियों में खटाखट फटाफट भी कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं, आज उन्होंने फतेहपुर की रैली में कहा कि गटागट, वीपी बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो सब कुछ गटागट गटागट करे जा रहे हैं, रोजगार गटागट गटागट। तो इस तरीके से एक जो पांचवें चरण का जो कैच वर्ड सामने निकल कर आया वो खटाखट है। और आज पांचवें चरण पर इसी खटाखट का कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव में, गटागट का कितना प्रभाव पड़ेगा। और यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खटाखट पर पलटवार किया है, तंज किया है, वो भी अपने तरीके से खटाखट 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 कह रहे हैं। तो जरा ये खटाखट फटाफट और गटागट देखिए, है मसला क्या है। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में, भाइयों और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर खटाखट 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 8,500।
इस भीड़ में से हजारों लोगों की लिस्ट बनेगी, 50,000 नहीं, 70,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1,00,000 रुपया साल का अंदर जाएगा इनसाइड। लेकिन बीजेपी जब हट जाएगी तो खुशियों के दिन लाने का काम हम लोग करेंगे, और जब खुशियों के दिन आएंगे तो इन बीजेपी वालों ने अपने मित्रों को कई सालों से एक एक कर करके विदेश भेजने का काम किया था, खटाखट खटाखट खटाखट, याद है कि नहीं याद है? एक एक कर करके उद्योगपतियों को विदेश भेजा, खटाखट खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे तो बोले खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। जुलाई में 1 तारीख सुबह मोदी जी कह रहे हैं कि भाई रायबरेली की जनता इनको भेजेगी खटाखट खटाखट खटाखट। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गरीबी दूर करने का ये कौन सा फार्मूला है, खटाखट खटाखट खटाखट। है फार्मूला प्रधानमंत्री जी, है फार्मूला। युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में साल में 1,00,000 रुपए, हर महीने 5,500-8,500 रुपए, खटाखट 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 देने का वादा विपक्ष कर रहा है, इंडिया वाला गठबंधन कर रहा है। तो क्या ये खटाखट खटाखट दिक्कत कर रहा है बीजेपी को? और हम इस बार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो विपक्ष बयान दे रहा है, चाहे वो आरक्षण का हो कि आरक्षण खत्म कर देंगे, चाहे वो संविधान खत्म करने की बात हो, चाहे ये खटाखट खटाखट फटाफट हो, और अब तो प्रधानमंत्री जी ने ये भी कह दिया है कि राम मंदिर को ढहा देंगे, बुलडोजर चला देंगे। तो आज जरा ये जो खटाखट है, जो मैं समझ पाया हूँ कि ये एक एम्पावरमेंट स्कीम है। जैसे 60 करोड़ इस देश में ऐसे लाभार्थी हैं जो नरेंद्र मोदी ने तैयार किए हैं, और अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर उनसे पत्रकार ने पूछा कि भाई अगर आप सत्ता में नहीं आए, बहुमत के बराबर सीटें आपकी नहीं आई, तो आप क्या करेंगे, प्लान बी क्या है, तो अमित शाह ने कहा कि जब प्लान ए 60% से नीचे आ जाए तब प्लान बी की जरूरत होती है, और हम ऐसा मान रहे हैं कि ऐसा है नहीं, हम जीत रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, क्योंकि 60 करोड़ लाभार्थियों की फौज है प्रधानमंत्री के पीछे जो उन्हें लाना चाहती है। तो क्या इस 60 करोड़ की जो फौज को क्या यह खटाखट 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 हरा पाएगा क्या? अब मुकाबला पांचवें चरण में ये बातें बिल्कुल उभर कर आ गई, मुकाबला दिलचस्प है, और बाकी बचे 2 चरण भी मुझे लगता खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट इसी पे रहेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। तो एक तो लाभार्थी स्कीम कितना नीचे तक जाएंगी, क्या कांग्रेस और जो विपक्ष का वो है, क्योंकि एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण ऐड हुई, वो ये कि अब जिस राशन पे के दम पर शासन की बात की जा रही थी कि भाई राशन दिलाएगा शासन, उस राशन को 2 गुना देने की बात अब गठबंधन कर रहा है, इंडिया वाला गठबंधन कर रहा है, कांग्रेस कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है। राहुल गांधी ने आज ही एक्स पर पोस्ट करके कहा कि हम 10 किलो राशन देंगे प्रति व्यक्ति को, एक यूनिट में 10 किलो, अभी 5 किलो मिल रहा है। बहुत सारी शिकायतें हैं कि बाजरा मिल रहा है, बहुत सारी शिकायतें हैं कि जिस परिवार में मान लीजिए 35 किलो राशन आना चाहिए, 5 किलो कोटेदार पहले ही काट ले रहा है, 2 किलो कम तोल रहा है, इस तरह की भी शिकायतें हैं। तो विपक्ष ने राशन को भी शासन का हथियार बनाया, लाभार्थी स्कीम, और जो बेरोजगार लोग हैं जब तक वो तैयारी करेंगे, जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता, 1 साल तक के लिए उनको ये व्यवस्था की गई है कि वो 8,500 रुपये महीने खटाखट। इसी तरीके से घर में काम करने वाली महिलाएं जो कहीं जॉब नहीं करती हैं, उनके बारे में भी एक घोषणा पत्र में बात रखी गई है
कि उनको 8,500 रुपए महीने खटाखट। अब जो भी ये खटाखट लाया ये अपीलिंग है, विपक्ष का जो खटाखट है वो अपीलिंग है, क्योंकि सत्ता पक्ष भी इस पर रिएक्ट करने लगा है। तो आज चर्चा पांचवें चरण का खटाखट, और ये खटाखट पीछे से आगे तक कैसे चीजें करेगा, क्या 60 करोड़ की फौज को ये खटाखट मुकाबला कर पाएगा, स्कीम्स मुकाबला कर पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी सीटों पर समीकरण और गुणागणित भी गड़बड़ाया दिख रहा है। जहां हम दिल्ली और लखनऊ में बैठकर बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर अगर पत्रकारों से आप बात करिए तो वो तर्कों के साथ बता रहे हैं कि कहां क्या खेल हो रहा है। इन्हीं तमाम मसलों को पांचवें चरण में कहां क्या समीकरण बना, अंतिम चरण वोट डालने से पहले मतदाता क्या करेगा वो उसका विशेषाधिकार है, लेकिन पांचवें चरण में जो आज पैकअप हुआ चुनाव का, प्रचार का जो पैकअप हुआ, वो क्या कह रहा है, क्या संकेत और संदेश राजनीतिक दलों को दे रहा है और तमाम लोगों को दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषकों को आज हमने इस कार्यक्रम में बुलाया है। राघवेंद्र सिंह राजू, वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हैं। राजू जी स्वागत, बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे देश की नब्ज को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक पीयूष पंत बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र के जाने माने दिग्गज पत्रकार अरुण लाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद अरुण लाल साहब, बहुत आभार आपका। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में मनीष शर्मा हमारे साथ उत्तर प्रदेश काशी से जुड़े हुए हैं, और पीयूष त्रिपाठी, लगभग 40 साल के पत्रकारिता का अनुभव, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और देश के तमाम राज्यों में काम करने के बाद फिलहाल उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं और बुंदेलखंड की बहुत गहरी समझ रखते हैं पीयूष त्रिपाठी जी। चूंकि बुंदेलखंड भी है इस चरण में और पूर्वांचल भी है उत्तर प्रदेश में, तो मैंने आज पीयूष त्रिपाठी जी को आमंत्रित किया, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार पीयूष जी आपका। तो आज हमारे पैनल में दो पीयूष हैं, एक पंत और एक त्रिपाठी। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जब हम लोग कोई बात करते हैं तो कहते हैं तुम मुझे पंत कहो मैं तुम्हें निराला, तो उस तरह आज पंत निराला की तरह ये दो पीयूष जी हमारे साथ में हैं, बहुत स्वागत, बहुत आभार। राघवेंद्र सिंह राजू, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। ये जो खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट, ये मैं बहुत, इसकी जो गूंज है वो तीसरे और दूसरे और तीसरे चरण से जोर पकड़ रही है, थोड़ी थोड़ी खनक हमें सुनाई पड़ रही थी दूसरे चरण में, तीसरे चरण से इसने थोड़ा और रफ्तार पकड़ी, चौथे चरण और पांचवा आते ही खटाखट खटाखट फटाफट, और आज घटाघट भी आ गया। तो ये इसको आप किस तरह देख रहे हैं खटाखट फटाफट को, क्योंकि ये अपील हो रही है, जब जब ये विपक्ष के नेता खटाखट खटाखट करते हैं तो तालियां खूब बज रही हैं। राघवेंद्र राजू, सामने आ रही हैं, आज आप देख रहे हैं कि शाम को चुनाव जो अपना होना है पांचवें चरण का, ये मतदान उसके लिए आज प्रचार थम जाएगा, थम गया। आपने देखा कल प्रतापगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री जी जो भाषा शैली इस्तेमाल कर रहे थे, और प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से बोल रहे थे, और उसके बाद आपने देखा कि रायबरेली में उसी में अखिलेश यादव जी ने वो मुद्दा उठाया इलेक्ट्रोल वोट का, घटाघट घटाघट घटाघट, और जो मुद्दा उन्होंने लिया था राहुल गांधी का कि वो कह रहे हैं कि महिलाओं को 1,00,000 रुपए के मामले में कह रहे हैं कि भाई जब हमारी सरकार आ जाएगी तो महिलाओं के खाते में 1,00,000 रुपए जाएगा फटाफट फटाफट फटाफट। तो वो ये कह रहे हैं कि सारी महंगाई है जो चीजें हैं प्रधानमंत्री जी का, तो ये अब एक ऐसी स्थिति में चुनाव आ गया है कि जहां पर जो अपने बौद्धिक विचारों का स्तर है जो आम लोगों के बीच में है, क्योंकि अब दुर्गेंद्र जी जहां मुद्दे थे, आप राशन से शासन की बात कर रहे थे, तो यहां पर जब आते आते और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लखनऊ में स्पष्ट किया कि हम 10 किलो राशन देंगे, तो एक तो ये निश्चित हो गया कि भाई जनता को क्या चाहिए। और इसके बाद जब केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने लखनऊ में आकर के प्रेस वार्ता की और उन्होंने ये विषय दिया कि भाई हम
जो स्थितियां बन रही हैं कि 17 सितंबर के बाद, तो उन्होंने कहा ये तो स्पष्ट हो गया। और आप ये देखिए कि तमाम लोगों ने कहा, जौनपुर में प्रधानमंत्री जी ने ये तो स्पष्ट किया कि हम और योगी जी शासन चलाएंगे, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि क्या 2032 तक माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन लोगों ने ये स्पष्ट नहीं किया क्या 2032 तक ये रहेंगे। दुर्गन जी, इसी दरमियान एक मामला गोंडा से जनसभा में आ गया, वहां पर ये कह दिया गया कि भाई हमारे ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो सांसद हैं, उन्होंने एके शर्मा को कह दिया भाई हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज कई अखबारों में सुर्खियों में मीडियों बना हुआ है। और ऐसे में कल तक पोस्ट कर रहा था महान दल आज जो है बीजेपी के साथ खड़ा हो गया आकर के। तो ये जो समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, इसके साथ आपने देखा अमेठी की स्थितियों को। अमेठी में जब पूर्व विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है, और उसको लेकर के वैसे ही जैसे राजा भैया ने अपने अंतिम समय में उन्होंने समझ लिया कि अब जो स्थितियां बन रही हैं चुनाव में, अब ये कोई दावा नहीं कर सकता कि भाई किसकी कितनी जो है सीटें आ रही है स्पष्टता। अब तो सारा कुछ चूंकि मतदाता खामोश है, और मैं दुर्गन जी मानता हूं कि जो भी मीडिया के हमारे लोग हैं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि गांव और ग्रामीण में मतदान और वहां की स्थितियों को अगर सही तरीके से आकलन किया जाए तो सही मायने में आपको यह लगेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में और वहां पर इन सब चीजों की चर्चा हो रही है, भैया क्या हो रहा है देश में, फटाफट घटाघट और ये तमाम बातें जो हो रही हैं। तो ये तमाम बातें जो आरोप प्रत्यारोप का एक तरीका, जब भारतीय चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी कि भाई हेट स्पीच आप नहीं करोगे, आप ऐसे वाक्य नहीं बोलोगे, तो निश्चित तौर पर है कहीं ना कहीं ये सब चीजें हैं। और आपने देखा यही स्थिति महाराष्ट्र में है दुर्गेन जी, महाराष्ट्र में मानसे जो अभी कुछ दिन पहले आग उगल रहे थे यूपी बिहार और तमाम उत्तर भारतीयों पर कि यहाँ पर अगर इनकी नौकरियां यहाँ पर आकर के अगर इन्होंने इनके हक और अधिकार को उत्तर भारतीयों ने छीनने का काम किया तो फिर हम देख लेंगे। और ये घटनाएं आज भूला नहीं है, क्या कोई उत्तर भारतीय आज भूल जाएगा? अरे लगभग 2 करोड़ उत्तर भारतीय रहता है, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना राज ठाकरे, इसके बाद आपने देखा कि उत्तर भारतीयों के नेता पूर्व सांसद हरमन सिंह जी का भी वीडियो कल पूरी महाराष्ट्र में चला, आपके पास भी हमने भिजवाया, आपने देखा हो कि एक जंग सी छिड़ गई है, जंग छिड़ गई है कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने की, अब कोई ये मुद्दा नहीं रहा, कैसे सीट बचेगी और कैसे सीट जीती जाएगी। ठीक है, अब सीट जीतने का ही एक सीधा फार्मूला है कि कैसे हम अपनी लोगों को लुभाने वादे बताएं और लोग लुभावन वादे से हम लोगों को कैसे अपनी तरफ खींच। ठीक है राघवेंद्र जी, मैं आऊंगा मैं जरा पीयूष पंत को चर्चा में शामिल कर लेता हूं। पीयूष पंत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जैसे अमित शाह ने कहा कि भाई मोदी जी के पीछे 60 करोड़ लाभार्थियों की फौज खड़ी है, एक तरफ 60 करोड़ लाभार्थियों की फौज और दूसरी तरफ खटाखट घटाघट, क्या कैसे विश्लेषित करेंगे इसको पीयूष जी? देखिए दुर्गेन जी, और इससे एक चीज तो साफ हो रही है कि अभी तक जो इंडिया गठबंधन है, जो रोजगार पे, रोजगार क्रिएशन पे, नौकरियां 30 लाख नौकरियां देने पे जोर दे रहा था, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ गया, वो 10 किलो अनाज की बात करके। वो क्योंकि इसीलिए देखिए आलोचना जो है वो NDA की और भाजपा की इसीलिए होती रही है कि आप कब तक लोगों को 5 किलो अनाज पे निर्भर बनाए रखेंगे। भाई आप उनका स्तर आगे नहीं बढ़ाएंगे क्या? उनके आर्थिक हालात बेहतर नहीं बनाएंगे क्या? उनको नौकरियां मुहैया नहीं करवाएंगे क्या? या सिर्फ 5 किलो अनाज ही देते रहेंगे आप 2029 तक? मतलब आपका कोई इरादा नहीं है। लेकिन अब जो है कि इस कॉम्पिटिशन में चुनाव जीतने में कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए जो है कि आपके क्या नाम इंडिया गठबंधन ने भी ये बात उठा दी कि हम तो 10 देंगे भाई, आप 5 दे रहे हम 10 देंगे, तो वो कहीं ना कहीं अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। वो जोर वही होना था कि हम नौकरियां देंगे, हम खाते में दे रहे हैं आपको जो स्टाइपेंड दे रहे हैं वो एक अच्छी योजना है कि जब तक युवा जो है नौकरी ढूंढेगा तो वो कम से कम उसको फ्रस्ट्रेशन पैदा ना हो,
तो उसको स्टाइपेंड दिया जाएगा ताकि उसको नौकरी मिल जाए तब तक। तो ये तमाम चीजें अच्छी ऑलरेडी जो है कि उनके मैनिफेस्टो में वो चीजें थी, लेकिन अब उन्होंने ये राशन की बात बढ़ा के मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ इंडिया गठबंधन को कि जो लाभार्थी वर्ग है वो निश्चित रूप से बहुत कुछ हो जाए लेकिन अभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और लेकिन एक बात और है कि उन्होंने कोशिश करी है संविधान का मसला उठा के, क्योंकि बहुत से इसमें ऐसे लाभार्थी भी हैं जो इसीलिए भाजपा के पक्ष में हैं कि उनको राशन मिला है, उनको जो है कि शौचालय की सुविधा मिली है, उनको आधा अधूरा ही चाहे मिला हो लेकिन मकान मिला है, सेंशन हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं जिससे वो जुड़ा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ एक जो है इस बार संविधान का जो मसला आया उसमें कम से कम वो वर्ग जो है जो पिछड़ों का है, दलितों का है, आदिवासियों का है, वो एक छिटकने की स्थिति में दिखाई दिया है पूरे चुनाव के अभी तक जो चार चरण का जो मतदान हुआ है उसमें। तो इतने मजबूत एक आप जो है अपनी आपने जो एक नैरेटिव बनाया है, बातों को रखा है, उसके बाद फिर इस तरह से आप एक विचलित होते हैं, विचलन कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कमजोरी ये इंडिया गठबंधन की दिखाई दे रही है। जहां तक देखिए फटाफट की बात है तो वो वही एक कम्युनिकेट करने का तरीका है जो राहुल गांधी ने मुझे लगता है शायद जहां तक मैं याद कर सकता हूं उन्होंने शुरू किया था और बड़े स्टाइल में किया था और उसी स्पीड में किया, फटाफट 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 एक कम्युनिकेट जो आम आदमी से किया। ऐसा लग रहा है पीयूष जी कि एक महीने में कई बार जेब में चला जाएगा, इतनी जल्दी खटाखट कर रहे हैं वो। जबकि जो है कि पूरी की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी जब काम करती है, अभी हम देख रहे हैं ना कि जिस तरह किसान सम्मान निधि है उसका तमाम घोटाला, किस तरह से उसमें गड़बड़ियां पहुंच नहीं रही अकाउंट पे, इसी तरह जो है आपकी जो योजना है आपकी बीमा, फसल बीमा योजना है, उसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान सब जगह जो है बहुत घोटाले चल रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी इतनी जल्दी काम नहीं करती, लेकिन चुनाव है, चुनाव में आपको आकर्षित करना है मतदाता को और उसकी बात को उसी के स्टाइल में कहना है ताकि उसको लगे अरे वाह आज ये सरकार बनेगी, कल हमारे अकाउंट में जो है हम सुबह उठेंगे जाएंगे बैंक। और राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं, मैं रुकूंगा पीयूष जी आपको, मुझे ब्रेक का इशारा हो रहा है। राहुल गांधी जी इस बात को कह रहे हैं लगातार कि ये जो खटाखट फटाफट है ना, ये 1 जुलाई को आपके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे, यानी 4 जून को नतीजा, सरकार बनी और 1 जुलाई को आपके खाते में खटाखट। और राहुल गांधी तो लगातार अपनी चुनावी सभाओं में खटाखट कर ही रहे हैं। अखिलेश यादव ने उसको आगे बढ़ाया, चूंकि इंडिया गठबंधन के साथी हैं, वो फटाफट खटाखट, और उन्होंने और जोड़ लिया गटागट, और गटागट वो इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों से, कंपनियों से, जनता का पैसा जरिए कंपनियों से गटागट। बड़ा दिलचस्प हो गया चुनाव। 14 और 19 एक अलग तरीके के चुनाव थे और 2024 का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प है। शुरू में लग रहा था कि कुछ हवा पानी है ही नहीं, 1-2 चरणों में, 3 चरण तक हम लोग इसी पर डिस्कशन करते रहे कि मतदाता साइलेंट है, सड़क में चुनाव नहीं दिख रहा। हम एक दूसरे से, पत्रकार मित्रों से पूछते थे आपको दिखा क्या चुनाव, नहीं भाई साहब सब सन्नाटा है। लेकिन ये खटाखट फटाफट जैसे ही आया चुनाव में, एक तरीके से ह्यूमर भी आया, लाभार्थी वर्ग के लिए संदेश भी लाया, और जिसको कहते हैं फ्री ब्रिज, हालांकि हमारे पत्रकार साथियों ने जो भी राष्ट्रीय मीडिया के हैं उनकी अभी दृष्टि नहीं पड़ी है कि वो फ्री ब्रिज पर चर्चा करते हैं, लेकिन जो आज हम ये प्रोग्राम लेकर आए हैं खटाखट, दरअसल ये फ्री ब्रिज की होड़ है कि भाई युवाओं को हम 8,500 रुपये देंगे तैयारी करने के लिए। ये विपक्ष, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी, घोषणा पत्र, महिलाओं को जो घर में काम करती हैं वो कहीं जॉब नहीं करती, उनको ये 8,500 हर महीने खटाखट। और मोदी जी कह रहे हैं कि रायबरेली की जनता भी आपको घर भेज देगी, खटाखट। बड़ा दिलचस्प है मामला। 5वां चरण जो है उसमें 49 सीटों पर मतदान होना है, बिहार की 4, झारखंड की 3, महाराष्ट्र की 13, उड़ीसा की 5, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7 और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की एक सीट पर वोटिंग है। और चर्चा हम इसी फ्री ब्रिज, खटाखट,
लाभार्थी इसी पर आज कर रहे हैं। इसके बाद कुछ उत्तर प्रदेश की भी खास तौर पर बात करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर बड़ा दिलचस्प चुनाव है और राहुल गांधी इसी चरण में उनकी रायबरेली भी है। सीधे रुख करेंगे पीयूष त्रिपाठी जी का, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, आपने बुंदेलखंड में वर्षों तक काम किया है, रिपोर्टिंग की है, और पूरे देश में वैसे आपने काम किया, लेकिन बुंदेलखंड का एक्सपर्ट आपको हम मानते हैं। वहां पहले सपा बसपा जीतती रही है, विधानसभा में भी लोकसभा में भी, लेकिन 14 के बाद से जो परिदृश्य बदला तो फिर भारतीय जनता पार्टी वहां बिल्कुल धुआंधार तरीके से काम कर रही है। अब बुंदेलखंड में बीजेपी ने जो काम किए हैं वो गिनाती है कि भाई हर घर नल स्कीम है, जल जीवन मिशन है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनवा दिया, इस तरीके के बहुत सारे काम हैं। क्यों कह रहे हैं, पानी भी हमने दे दिया, वहाँ हमने हथियारों की फैक्ट्री लगा दी, बहुत रोजगार आ गया। बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा इलाका है उत्तर प्रदेश का, और वहाँ तो जैसे हम लोग बराबर इस बात को चर्चा करते थे कि पानी का संकट इतना है कि वहाँ एक लोक कवि ने यहाँ तक लिखा है कि गगरी न फूटे चाहे खसम मर जाए रे, पानी इतना इम्पोर्टेंट है कि पति की मृत्यु हो जाए लेकिन पानी की गगरी ना फूटे, ये कभी लिखा गया था। आल्हा उदल की भूमि है वो, एक तरीके से क्रांतिकारी चित्रकूट, भगवान श्री राम की बात करते हैं, हालांकि चित्रकूट कहीं चर्चा में विमर्श में नहीं है, अयोध्या है, राम मंदिर है, चित्रकूट विमर्श में कहीं नहीं है। इस बार क्या देख रहे हैं आप, 2014-19 ही जैसा बुंदेलखंड है राजनीतिक दृष्टि से, या कुछ बदलाव दिख रहा है पीयूष जी पांचवें चरण में? पैनल में बैठे सभी वरिष्ठ पत्रकारों और दुर्गेंद्र जी आपको नमस्कार, प्रणाम। ये बात बिल्कुल सही है कि 2014 के बाद बुंदेलखंड की तस्वीर बदली है। एक चीज यहाँ लोग भूले जा रहे हैं, बुंदेलखंड से पलायन एक मुद्दा हुआ करता था जी, जो लोग बाहर के प्रदेशों में जाते थे वो एक चुनावी मुद्दा था, और बीच में स्थिति ये आ गई कि लोग पलायन ना करें, इसके लिए कांग्रेस के शासन में लोग रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर जाकर पलायन करने वालों को समझाया करते थे जी। 10 साल में जो पलायन करके बाहर गए हैं वो सब स्किल्ड हो गए, वो हुनरमंद हो गए, ये परिवर्तन आया है। रही बात पानी की पर्याप्त व्यवस्था हुई है, राशन असर करेगा वहां पर, एक बार एक्सप्रेस वे असर ना करे लेकिन राशन वहां बहुत प्रभावी है। खटाखट ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जानी लीवर और ये जो फिल्मी कलाकार हैं, हास्य कलाकार, उनके बीच में बातचीत चल रही है, कोई गंभीर चुनाव नहीं हो रहा इसमें। मगर बुंदेलखंड की तस्वीर बदली है 14 साल में, ये सब लोग देख रहे हैं। और बताइए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, दुर्गेंद्र जी, जो लेबर कोरोना काल में भाग करके आया था जी बुंदेलखंड का, ये सब वापस जा चुका है क्योंकि उनकी डिमांड है। पिछले 20 से 25 वर्षों में सारे के सारे हुनरमंद हो गए, वो वहां ठीक से कमा खा रहे हैं। बुंदेलखंड का परिदृश्य बदला है, अकेले हमीरपुर जनपद में मोदी जी पहली बार आए, अभी कल पहली बार आए, इसके पहले वो झांसी आए थे, महोबा आए थे, और एक बार चित्रकूट आए थे, मोदी जी नहीं आए, लेकिन वहां पर राशन प्रणाली काम कर रही है। लोग इन सब चीजों से बिल्कुल प्रभावित नहीं है, वहां पर समृद्धि आई है, जिन चीजों की कमी है उसको लोग अपना समय समय पर कहते रहते हैं। बुंदेलखंड एकदम अलग है यूपी के सारे खंड से, बुंदेलखंड अलग है, 4 सीटें हैं, 7 जिले, तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी है। हाँ, इस बीच में एक बात बता दूं, रिपीट किए गए हैं जो कैंडिडेट, उनसे लोग नाखुश हैं जी, वो बिल्कुल नहीं बुंदेलखंड के लोग, मेरी चारों सीटों पर लोगों से बातचीत हुई, एक नाखुशी तो ये है, मगर राशन का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा अगर कहीं पर तो वो बुंदेलखंड में। अच्छा पीयूष जी, कहीं इन 4 सीटों में ये मानते हैं कि जो स्थानीय नाराजगी है, क्योंकि हम पूरे देश में देख रहे हैं इस बार मोदी जी ने कहीं भी ये नहीं कहा कि आपका वोट जो दोगे वो मोदी को मिलेगा, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने ये तो जरूर कहा कि आप एक वोट दोगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, आप एक वोट दोगे तो मजबूत प्रधानमंत्री बनेगा,
ये बात उन्होंने नहीं कही। इसका मतलब क्या जो चुनाव है वो क्या स्थानीय प्रत्याशियों के चेहरों पर भी जा रहा है, टिक रहा है क्या पीयूष जी? एक एक बात से मैं हमेशा हैरान रहता हूँ, मैं जरा कम ज्ञान रखता हूँ, एक बात से मैं हमेशा हैरान रहता हूँ कि वोट देने वाला हरवाहा चरवाहा भी है, कम पढ़ा लिखा भी है, वो तय कर लेता है कि मुझे इसलिए किसी को वोट करना है या इसलिए मुझे किसी को वोट नहीं करना है। वो तो जान जाता है, लेकिन नेता नहीं समझ पा रहे हैं कि लोग मुझे इसलिए वोट करेंगे और मुझे इसलिए वोट ना करेंगे। तो इन चारों सीटों पर जो मैंने पहले कहा वही हो रहा है, लोगों ने तय तो कर लिया है मुझे क्या करना है, अन्यथा मोदी जी राठ में ना आते छोटे कस्बे में। वो चुनाव प्रचार में राठ आए हैं और वहीं से उन्होंने चारों सीटों को कवर करने का प्रयास किया है। तो जो बड़े काम हुए हैं उनका मुझे असर दिखाई नहीं दे रहा है। कॉमन मैन का कहना यह है कि मेरे लड़के अभी भी गुजरात में हैं, मेरे लड़के अभी भी महाराष्ट्र में हैं। जो बात मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो बार बार दावा किया जाता है कि आपको आपके प्रदेश में, आपको आपके जिले में रोजगार मिल गया, अब लोग बाहर नहीं भटकते, अब गुजरात बंगाल नहीं जाते या दूसरे राज्यों में नहीं जाते, वैसी स्थिति नहीं है। पलायन अभी है, दूसरी जगह लोग गए हैं अपने कुबत पे कमाई कर रहे हैं वहां पर, ये कहना चाह रहे हैं आप? पलायन अभिशाप नहीं रहा, पलायन बुंदेलखंड के लिए वरदान बन गया है, पलायन बुंदेलखंड के लिए अब वरदान बन गया है। तो इसमें कोई सरकार का योगदान है क्या, किसी राजनीतिक दल किसी नेता का योगदान है क्या पीयूष जी? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनका बिल्कुल कोई योगदान तो नहीं है। बुंदेलखंड वासियों का, बुंदेलों का ये अपना पुरुषार्थ है जिसके दम पर उन्होंने अभिशाप को भी वरदान बना दिया है। जी 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 जी, उन्होंने जो लोग कहते हैं ना आपदा को अवसर, एक्चुअली बुंदेलों ने बनाया है। वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, बुनियादी सुविधाएं जिनमें पानी प्रमुख है, सुरक्षा प्रमुख है, अब वहां कोई डकैत गिरोह नहीं है, कोई फरमान नहीं चलता, दबंगों का कहीं पर कोई प्रभाव नहीं है, ये कुछ चीजें तो हुई है वहां पर। सोसाइटी बदली है ना, सोसाइटी बदली है, समाज बदला है, सोचने का तरीका बदला है। जी बिल्कुल बदला है। तो क्या आप मानते हैं कि इस बदलाव में मुझे जी अगर प्रॉस्पर्टी कुछ ना आई होती तो एक जिले में 5 महीने में 70,000 वाहन पंजीकृत न कराए जाते, कोई तो खरीद रहा है इनको। महत्वपूर्ण डेटा है, महत्वपूर्ण डेटा है। सड़कें बनी हैं, इनमें आपको इतने वाहन मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते। बुंदेलखंड में जहां सरकारी बसों के अलावा कुछ नहीं था, अब सब कुछ है। वो वोट किसको देते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उनकी शरणार्थी स्कीमों को खटाखट फटाफट हर शब्द से, मतलब हिंदी वर्णमाला के लगभग प्रत्येक शब्द से आप इससे मिलता जुलता बना लीजिए, खटाखट फटाफट हटाहट छटाचट जो बनाना हो बना लीजिए, ये केवल मनोरंजन है। नहीं, चुनाव तो पीयूष जी मनोरंजन हो ही गया, चुनाव तो मनोरंजन ही है, और प्रधानमंत्री उस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी को रायबरेली की जनता भेज देगी, खटाखट खटाखट वापस भेज देगी। तो ये तो एक अट्रैक्शन का एक तरीका है, अपनी स्कीम को बताने का एक तरीका है कि भाई हम अपना आपको अपनी स्कीम बता रहे हैं। क्या बुंदेलखंड में सेम स्थिति आप देख रहे हैं या कहीं स्थानीय प्रत्याशियों के नाम पर कोई बदलाव की गुंजाइश है? नहीं, नाराजगी तो है, और मैं वो कहना भी नहीं चाहता कि ये 2024 का चुनाव खटाखट फटाफट के अलावा एक और स्टेज पर पहुंच चुका है जी, जो दिख सबको रहा है लेकिन हम लोग चैनल पे नहीं कह सकते जी। मतलब ये कहना इनकी सरकार आएगी तो राम मंदिर पर बुलडोजर चल जाएगा जी, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर आप लोग इशारा समझ सकते हैं कहां पहुंचा दिया गया। नहीं, हम लोग तो रोज चर्चा करते हैं, कल ही चर्चा करते हैं, आप खोल के बता दीजिए। हमने तो कल ही चर्चा की कि भैया प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन आएगा तो राम मंदिर में बुलडोजर चल जाएगा। हाँ, तो वो जिनको मैसेज पहुंचाना है उनको मैसेज पहुंच गया है। हाँ, वही वही ये भी है बुंदेलखंड में प्रॉपर, मैं सिर्फ बुंदेलखंड की बात कर रहा हूँ, मेरे साथ बड़े सीनियर सहयोगी बैठे हुए हैं, सीनियर पत्रकार बैठे हुए हैं, मैं बुंदेलखंड की 4 सीटों की बात कर रहा हूँ। विधानसभा की भी सारी सीटें इन्हीं के पास हैं, 2 सीटों को छोड़ करके कालपी को,
तो वो भी आ गए हैं बीजेपी में ही लगभग। ठीक है पीयूष जी, ठीक है। मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट मनीष शर्मा को लूंगा, लेकिन इससे पहले मैं अरुण लाल जी, चूंकि उनका नेटवर्क आ जा रहा है, पता नहीं कितनी देर वो हमारे साथ रहे हैं और नेटवर्क चला जाए, इसलिए मैं अरुण लाल जी को तुरंत ले लेता हूँ। महाराष्ट्र में 13 सीटों पर चुनाव होना है अरुण लाल जी, और चूंकि नेटवर्क आपका कुछ व्यवधान भी बीच बीच में उत्पन्न कर रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आप अपना विश्लेषण रखें। महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि एक तो फैक्टर अभी हमने दिखाया भी और राघवेंद्र राजू ने भी बात की कि उत्तर भारतीयों को, खासतौर पर बिहार और जो उत्तर प्रदेश के लोगों को मार भगाने वाले राज ठाकरे अब मोदी के मंच पर दिख रहे हैं, तो जो मुंबई में उत्तर भारतीय रहते हैं कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन देखते हैं, या वो राज ठाकरे को गले लगा के बाकायदे बिल्कुल हृदय से लगा लेंगे, होली मिलेंगे, ईद मिलन करेंगे, और उसका असर क्या गारंटी कि यूपी बिहार में नहीं पड़ेगा या जो हिंदी भाषी राज्य हैं उन पर नहीं पड़ेगा। एक तो मेरा ये सवाल है आपसे, और महाराष्ट्र को लेकर जो 19 की जंग थी, 14 की जंग थी, उससे इस बार की जंग कैसी है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। अनम्यूट करिए अरुण लाल जी। हाँ, सभी को नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। और चुनाव मतलब लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की जो है बधाई शुभकामनाएं। चुनाव की आप लोगों ने बड़ी चर्चा की, चुनाव इस वक्त चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, और लोग फटाफट फटाफट की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र का चुनाव तो बिल्कुल अन्य राज्यों से एकदम अलग चल रहा है। यहाँ पे अलग तरह की राजनीति हो रही है, और राज ठाकरे अब उतना बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि राज ठाकरे महाराष्ट्र में उतने प्रासंगिक नहीं है। अगर वो इतने ही प्रासंगिक होते तो बीजेपी उनको एक से दो सीट तो देती। बीजेपी का वो प्रासंगिक महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन उनकी प्रासंगिकता उत्तर भारत में ज्यादा है, रिएक्शन ज्यादा, रिएक्शन। जी बिल्कुल, बोलिए जी। अब ये बात निर्भर करती है विपक्ष पर कि विपक्ष कैसे इस बात को सामने रखता है। जैसे मुंबई में इस बात की कोई बड़ी चर्चा नहीं है कि राज ठाकरे उनके मंच पे आए। एक जो एक निचला तबका है महाराष्ट्र में जो रहता है, जो रिक्शा चालक है या जो दूसरे लोग है, उनको सीधे तकलीफ पहुंचती है राज ठाकरे जब बीजेपी जो अपने आप को उत्तर भारतीयों की पार्टी कहती है जब उनके मंच पे आते हैं। तो वो तबका जिसको कुछ समय पहले राज ठाकरे के लोगों ने मारा था, चाहे वो कुमचे वाले हो चाहे रिक्शे वाले हो, उनमें एक चर्चा जरूर होती है कि ये आदमी अगर बीजेपी का है तो हम कहां जाए। लेकिन वो इतना बड़ा असर कम से कम मुंबई में नहीं पड़ रहा है। मुंबई की सीटों पर वैसे ही उद्धव ठाकरे बड़े नेता के रूप में उभरे, इसमें कोई बात नहीं। यहाँ जो महाराष्ट्र की जो मराठी जनता है वो उद्धव ठाकरे को बहुत किसी ने सोचा नहीं होगा कि उद्धव ठाकरे बड़े रूप में इतने जल्दी उभर के आएंगे। यहाँ उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, कल ही प्राइम मिनिस्टर साहब की रैली के बावजूद वहां उद्धव ठाकरे की रैली में खड़े होने की भी जगह नहीं थी। तो इस तरह से वो चुनाव का राज ठाकरे जो बात है, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में या दूसरे राज्य बिहार में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो मजदूर आते हैं उनके ऊपर एक बड़ा असर जरूर डालेगी। मुंबई में उसका बहुत बड़ा असर नहीं है, मुंबई में बीजेपी। महाराष्ट्र में चुनाव कैसे देख रहे हैं अरुण लाल जी, क्या स्थिति आपको नजर आ रही है उत्तर भारतीयों के? महाराष्ट्र का चुनाव वास्तव में देश का पहला ऐसा चुनाव, बहुत सालों के बाद महाराष्ट्र में ऐसा चुनाव देखने मिला जब सभी ने सारे स्तर को छोड़ दिया, कोई भी पार्टी जो है पार्टी जैसी नजर नहीं आई, लोग निकल नहीं रहे हैं, लोग महाराष्ट्र में इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि चुनाव है। लोगों ने एकदम लोगों को चिढ़ हो गई है जिस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में हुई है। तो चुनाव लोग मतदान करने जा तो रहे हैं लेकिन मतदान की कोई चर्चा नहीं, लोगों में उत्साह नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे जो इंडिया अघाड़ी है पिछली बार से बहुत अच्छा करेगी, बीजेपी को महाराष्ट्र में नुकसान होना है। जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं वो हो सकता है कि बीजेपी को नुकसान हो, या कह सकते हैं कि उनके जो साथी दल हैं वो चाहे एनसीपी अजीत पवार वाली हो या फिर एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, उनको नुकसान होगा, तो इनडायरेक्टली बीजेपी को नुकसान हो सकता है। ये कुल मिला के जनता यहाँ पे बहुत दुखी और नाराज है जिस तरह की राजनीति हुई है, रोज एक दूसरे को गाली गलौज के लेवल पे आके बात करना, वो लोग जो साथी रहे थोड़ी भी मानवता एक दूसरे के प्रति छोड़ दिया, और सभी ने, ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं, हर दल के लोगों ने अपनी
अपनी जबान पर लगाम नहीं रखी। जो लोकतंत्र में अगर हमारे नेता ऐसे बोलेंगे तो हम मान लीजिए। अच्छा, एक 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 अरुणलाल जी, एक बड़ा अहम प्रश्न है। प्रधानमंत्री जी शरद पवार और जो उद्धव ठाकरे, इनको नकली शिवसेना और एनसीपी कह रहे हैं, तो लड़ाई असली शिवसेना असली एनसीपी प्रधानमंत्री जी के साथ है और नकली शिवसेना और नकली एनसीपी इंडिया गठबंधन के साथ है? जरा हमको भी बताइए, असली नकली में कौन भारी पड़ेगा, असली वाला कि नकली वाला? अनम्यूट करिए। ये तो अब 4 तारीख को हम सबको पता चल जाएगा कौन किस पे भारी पड़ रहा है। लेकिन ये जो असली नकली की बात कर रहे हैं, यही कारण है कि लोगों का मन जो है राजनीति से एकदम ऊब गया है। मतलब इस देश को चिंता करनी चाहिए इस बात की कि जिस तरह का उदासीनता इस बार चुनाव में दिखी है, कम से कम महाराष्ट्र के इलाकों में मैं जाके आया हूँ, इतनी उदासीनता तो किसी मामूली चुनाव में भी नहीं हुई। भारत के सबसे बड़े चुनाव में इतनी उदासीनता इसी असली नकली में है। यहाँ की तंग आ गई राजनेताओं से कि वो कब कौन किसको कितनी गालियां देगा और कब कौन किस पार्टी में चला जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं। ठीक है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री लेवल के लोग भी बीजेपी में गए, चाहे राहुल गांधी ने बोला कि रोते हुए मेरे पास पूर्व मुख्यमंत्री आए और बोले मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ। इस तरह की बातें खुले मंच पे हो रही। ठीक बात है, मैं मनीष शर्मा को लूंगा, पॉलिटिकल एनालिस्ट है मनीष जी, माफी के साथ में, क्योंकि सारे लोग बड़ी महत्वपूर्ण बातें कर रहे थे और मैं चाह रहा था कि एक बार जब आपके पास आऊं तो लब्बो लबाब काफ़ी निकले, दर्शक उसको समझे। मनीष जी, ये चरण जो मैं देख पा रहा हूं वो मुझे लगता फ्री ब्रिज लाभार्थी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक फौज खड़ी की, 60 करोड़ लोग अमित शाह जिसका दावा करते हैं, विपक्ष ने भी राशन के शासन की नज़ाकत को समझा और उसने 10 किलो का वादा कर दिया, जो और सारी स्कीम्स हैं उनको लेकर आ गए, तो ये क्या खटाखट राउंड है क्या ये मनीष जी? मनीष शर्मा जी, मनीष शर्मा है क्या? हाँ हाँ जी, हेलो, बोलिए बोलिए। मैं एक बात तो पहले ये तुरंत कर दूं कि ये जो अभी फिर से प्रधानमंत्री ने जो खटाखट वाला जो इसको व्यंग में बदलने की कोशिश की है, तो आप इसको भी याद करिए कि जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पे हमला किया था और उसके बाद जो है पता चला कि 42 लाख लोगों ने एक दिन के अंदर ही जो है उस उनके घोषणा पत्र को डाउनलोड किया, और जितना कांग्रेस नहीं प्रचार कर पाई थी अपने घोषणा पत्र का, वो प्रधानमंत्री जी ने उसको करवा दिया, और ये दूसरा फिर उन्होंने गलती कर रहे हैं। और जो अभी और ज्यादा माइनूट लेवल पे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की जो योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, उसको ये आज का भाषण, कल का भाषण जो मोदी जी का है, जो व्यंग के रूप में उन्होंने कोशिश की है, वो और ज्यादा नीचे तक इस बात को ले जाएगी और एक तरह से वो विपक्ष के एजेंडे के प्रचारक के बतौर सामने आ रहे हैं। ये ज्यादा उनके उनके ट्रैप में ज्यादा फंसते जा रहे हैं। एक तो हमको लगता है कि इसको समझना चाहिए, दूसरा ये देखना चाहिए कि देखिए स्कीम उनके पास भी है और स्कीम विपक्ष के भी पास है, लेकिन केवल स्कीम की बात नहीं है। अगर आप 2019 का चुनाव देखिए, उसमें अगर आप ध्यान दें तो कांग्रेस ने भी बहुत सारी गारंटियां दी थी, बहुत सारी गारंटियां दी थी, राहुल गांधी बहुत सारा चीज लेकर के आए थे आप अगर ध्यान दें जी। लेकिन उनके पास उस समय कोई नेशनल नैरेटिव नहीं था। बीजेपी के पास नेशनल नैरेटिव था, उसके पास राष्ट्रवादी उन्माद था, उसके पास बालाकोट था, उसके पास पठानकोट पुलवामा था। तो आप देखेंगे कि ये जो स्कीम होती है वो जब तक किसी नेशनल नैरेटिव से नहीं लिंक होती है तो वो स्कीम जो है उल्टी पड़ जाती है, वो आपकी फ्लापसों में बदल जाती है। पिछली बार पढ़ा, राहुल गांधी ने कहा था कि साल में हम किसानों को 72,000 देंगे और किसानों ने न्याय स्कीम के तहत 72,000 कबूल नहीं किए, 6,000 में मस्त हो गए। जी जी, वही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि इस बार ये तुलना आप ऐसे मत करिए, आप ऐसे तुलना करिए कि बीजेपी के पास कोई नेशनल नैरेटिव नहीं है, प्रधानमंत्री जी को लगातार विपक्ष के एजेंडे पे बात करनी पड़ रही है,
प्रधानमंत्री को खोज खोज करके उसको गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करनी पड़ रही है। और तब ऐसे दौर में विपक्ष का एजेंडा जो नेशनल नैरेटिव बना है संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, तानाशाही से मुक्ति का, रोजगार के सवाल जो है, महंगाई पे जो है हमला, उसका जो एक नेशनल नैरेटिव बना है, और इधर बीजेपी के पास इस दौर में इसका घनघोर अभाव दिख रहा है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनता अब किसकी स्कीम को ज्यादा प्रेफर करेगी, किस दिशा में झुकेगी, यह तुलना जब 2019 से करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 60,000 की गारंटी खिलाफ होने जा रही है। ये जो 60,000 के इनके लाभार्थी हैं, ये संविधान भी बचाना चाहते हैं, ये 60 करोड़ कई शून्य बढ़ा लीजिए मनीष जी, 60 करोड़। अमित शाह जी ने कहा कि 60 करोड़ की फौज नरेंद्र भाई के साथ में खड़ी है, 60 करोड़ की फौज। जी हाँ, तो ये 60 करोड़ के लाभार्थी हैं, इसका इसमें से 59 करोड़ जो है ऐसे लोग हैं जिनको संविधान की भी चिंता हो गई है, अपने बच्चे के रोजगार की चिंता हो गई है, जिनको जो है अपने आरक्षण की चिंता हो रही है, यानी कि वो उस उन स्कीम को अपने संविधान अपने आरक्षण से लिंक करके देखना शुरू कर दिए हैं। और इस मामले में बीजेपी मोदी जी बहुत ज्यादा पीछे जा रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं। और मेरा ये समझना है, मेरा ये मानना है कि अब बनाम बनाम नहीं बनने जा रहा है। और इस दौर में विपक्ष का जो नैरेटिव है वो उसके स्कीम के साथ लिंक होकर के बीजेपी को बहुत ज्यादा पीछे ढकेलने की तरफ बढ़ रही है। और चुनाव जैसे जैसे ये बीत रहा है, पांचवा चरण और मोदी जी के लिए संकटप्रद होने वाला है, पांचवा चरण मोदी जी को और ज्यादा संकट में डालने वाला है, बीजेपी को और ज्यादा संकट में डालने वाला है। और इसलिए अब मुझको लग रहा है कि शायद मुश्किल हो जो है बीजेपी के लिए कि वो 272 का जादुई आंकड़ा भी छू पाए। ठीक बात है राघवेंद्र राजू, उत्तर प्रदेश में 14 सीटें पांचवें चरण में है, उसमें ब्रजभूषण शरण की भी सीट है और उनके मतलब बेटे उनके चुनाव लड़ रहे हैं। अभी कोई हमसे कह रहा था कि वहाँ कैसरगंज में चर्चा है कि ब्रजभूषण के हेलीकॉप्टर के पर बीजेपी ने खुलवा कर रखवा दिए हैं, इस पूरे चुनाव में वे हेलीकॉप्टर से नहीं उड़ पाए हैं एको बार, और मोदी जी और योगी जी के मंच पर उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी, दो दो रैलियाँ उनके यहाँ हुई। जब ब्रजभूषण बता रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण अगर इतना घिर गए हैं, गोंडा में राजा आनंद सिंह के बेटे कीर्तिवर्धन इतना घिर गए हैं, अमेठी में स्मृति ईरानी को मुश्किलें पेश आ रही हैं, मुकाबला तगड़ा हो रहा है, तो ये जो चौथा चरण है इस पर जरा तत्काल प्रकाश डालिए तुरंत बहुत जल्दी में। जी 14 सीटों में 13 सीटें तो भाजपा के पास हैं और एक सीट आपने देखा रायबरेली कांग्रेस ने जीती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि अब तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी कह रहे हैं हम छुट्टा साण है, उन्होंने जो व्यंग बाण दिया कि भाई हम तो छुट्टा साण है कुछ भी बोल सकते हैं, तो उन्होंने तो कल बोल ही दिया, उस पर कोई प्रतिक्रिया किसी तरीके की आई नहीं, कोई भाजपा की प्रतिक्रिया। वो कह रहे हैं कि हम राजनीति से भी संन्यास ले चुके हैं, 21 तारीख को फैसला आने वाला है, कुछ लोगों से बात हो रही थी गोंडा में तो वो कह रहे हैं कि कहीं इसको कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने आप को छुट्टा साण घोषित कर लिया है। अब उन्होंने ये जरूर कह दिया कि AK शर्मा मुख्यमंत्री, अब उसको लेकर के आज जो सस्पेंस चल रहा है वो सस्पेंस थोड़ा सा बढ़ गया है। रही बात उर्गेन जी, आपने देखा कि जैसे अमेठी की बात आप कर रहे थे, अमेठी में जगदीशपुर अमेठी में बिना अनुमति को लेकर के करणी सेना के 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई, और वो गए थे दीपक सिंह के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। तो क्षत्रियों का जो नैरेटिव चल रहा था पूरे प्रदेश में, जो नाराजगी देश में देखने को मिल रही थी, और इसके बाद अभी हमारे जो बोल रहे थे उत्तर भारतीय पर, हमारे भाई ने जो बात कही, उत्तर भारतीयों में जो पीटने वाली घटनाएं हैं वो भूली नहीं है लोग। मैं बंबई गया था, अभी मैं पिछले दिनों बुंदेलखंड में भी था, बुंदेलखंड में जरा राजा भैया भी चर्चा कर लो 40 सेकंड। राजा भैया का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था तो उनसे सवाल किया पत्रकार ने कि भाई राजा भैया मुख्यमंत्री के बारे में आपकी क्या राय है, प्रधानमंत्री के बारे में क्या राय है, तो राजा भैया ने कहा बहुत अच्छे आदमी है प्रधानमंत्री, बहुत काम किया उन्होंने, भूतो ना भविष्य। बोले मुख्यमंत्री, लोग कह रहे हैं आपके लोगों के बीच कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को हटा दिया जाएगा चुनाव में, विपक्ष ऐसा कह रहा, तो राजा भैया ने जवाब मालूम क्या दिया, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद बहुत छोटा है, योगी आदित्यनाथ उस पीठ के पीठाधीश्वर हैं जिसका औरा और आकार मुख्यमंत्री की कुर्सी से बहुत बड़ा है। तो इसके भी संकेत और संदेश हैं जरूर राघवेंद्र राजू। देख दुर्गेन जी, जहां तक राजा भैया की बात है,
उनकी अपनी एक पार्टी है, अब वो उस स्थिति में नहीं है जैसे आज महानदल वाले कल आकर के समर्थन दे दिए, परसों तक वो थे। तो अब जो है जातिवाद बहुत ज्यादा हावी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस समय मुद्दे छूट गए हैं और सारे राजनीतिक दल इस तरीके से आक्रोश हो गए हैं। राजा भैया के अगर ये ना होता तो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी को प्रतापगढ़ भेजा गया। और मैंने, आपने देखा होगा वीडियो कि आप देख रहे होंगे जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे फटाफट, तो वो आप देख लीजिएगा पब्लिक जा रही थी पीछे से उठ करके पूरी बात। उन्होंने ये जो बोल रहे थे कि गारंटी है, जब गारंटी शब्द बोल रहे थे तो आप देख लीजिए कि पब्लिक जो लंबे समय से इंतजार कर रही थी वो धीरे धीरे, अब इतनी ज्यादा आपको मुद्दे नहीं रह गए हैं। राजा भैया की बात वो समझ चुके हैं, नब्ज को वो समझते हैं कि आज अगर देश भर में, और सबसे बड़ी बात दुर्गेंद्र जी यही बात है कि अगर रूपाला जी ने कोई कमेंट किया था तो सही बात यह थी, वो राजा रानी पे किया था, उन्होंने राजशाही लोगों पर कमेंट किया था, ठीक है राघवेंद्र जी, क्षत्रियों ने आगे बढ़ करके जी तो उन सब चीजों को ले लिया। और वो चूंकि राजघराने से जुड़े हैं, उनको मालूम है कि इस मुद्दा अगर वो इधर उधर होते हैं तो ये समाज जो जिससे उनको जो नेता मानता है, इस समाज की नाराजगी कहीं ना कहीं उन पे भारी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है पीयूष पंत, अच्छे प्रताप ने, ठीक है पीयूष पंत, 40 सेकंड में अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की, 40 सेकंड मेरे पास वक्त नहीं है अभी। पीयूष जी, पीयूष पंत, देखिए दुर्गेंद्र जी, मामला तो जो है कि टकाटक 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 हो रहा है, जनता का मूड एकदम टकाटक हो गया है। आपने अलगे अलगे कह दिया टकाटक, और बिल्कुल देखिए कल की आप देखिए, परसों जो वोटिंग होगी उसमें भी टकाटक टकाटक टकाटक, अब वोट किधर पड़ेगा ये भी इशारे हो रहे हैं। पीयूष त्रिपाठी जी ने ये इशारा कर दिया बुंदेलखंड के संदर्भ में, इस बात को मंदिर के ताले वाली बात करके, कि उसी को ये संदेश दिया जा रहा है भैया आ जाओ मैदान में वरना बाजी पलटी जा रही है। तो वही टकाटक 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 हो रहा है दुर्गेंद्र जी, और आप देखिएगा परसों किस तरह से होता है। और अब यह है कि देखते हैं कि वोट प्रतिशत टकाटक टकाटक बढ़ता है कि नहीं है, क्योंकि सबसे चिंता की बात यही है कि वोट प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है। और ये भी देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग टकाखट 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 करके जो है वो आंकड़े देता है कि नहीं, कि कितने मत पड़े हैं हर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बड़ा सवाल, मतों की संख्या देता बड़ा है, बड़ा सवाल, टकाटक टकाखट टका। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष पंत, अरुण लाल जी, पीयूष त्रिपाठी जी, मनीष शर्मा, राघवेंद्र सिंह राजू, आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत आभार दर्शकों का जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, अपना कीमती वक्त हमें दिया। अब जैसा कि पीयूष पंत ने कहा कि मतदाता भी अब 20 तारीख को पांचवें चरण के लिए टकाटक 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 वोट डालेगा, फैसला उसी के हाथ में है, वही भाग्य विधाता है, चाहे खटाखट चाहे टकाटक और चाहे गटागट। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अगस्त में 8,500, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर खटाखट 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 8,500, एक एक कर करके विदेश भेजने का काम किया था, खटाखट खटाखट खटाखट। जरा बता दो कब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर, खटाखट 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 खटाखट।